मैंने कहीं पढ़ा था सर, एक अच्छा डॉक्टर बीमारी को ठीक करता है, लेकिन एक महान डॉक्टर बीमार को ठीक करता है। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस ओडिया पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद स्मैश हिट ओडिया मूवी दमन का हिंदी ट्रेलर फाइनली रिलीज किया गया है। यह मूवी देवी प्रसाद विशाल मौर्य द्वारा निर्देशित और लिखित है और मूवी को जेपी मोशन पिक्चर्स और मैटिस फिल्म के बैनर तले बनाया गया था। दोस्तों, वर्तमान में इस मूवी की IMDb रेटिंग 9.3 आउट ऑफ 10 है, जो कि पोर्टल पर उच्चतम भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है। बाबू मोहंती अभिनीत फिल्म दमन 4 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई और कुछ ही दिनों में इसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता का स्वाद चख लिया। इससे पहले से कुछ ही क्षेत्रों में रिलीज किया गया था, लेकिन जैसे ही सकारात्मक की शुरुआत हुई, स्क्रीन की संख्या में भारी उछाल देखा गया। यह फिल्म राज्य में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ओडिशा में फिल्म की सफलता के बाद और हिंदी डब संस्करण की बढ़ती मांग के बीच पैनोरमा स्टूडियो के बैनर तले मूवी का हिंदी ट्रेलर रिलीज किया गया है और फाइनली मूवी हिंदी डब वर्जन के साथ 3 फरवरी 2023 को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। दोस्तों, मूवी का ट्रेलर आउट हो गया है, तो आइए बात कर लेते हैं आज इसी ट्रेलर के बारे में। दमन ये बेसिकली एक इकोनॉमी है जिसका फुल फॉर्म है दुर्गम अंचला मलेरिया निराकरण, यानी मतलब ऐसी जगह जहां लोकैलिटी आने जाने का रास्ता नहीं है और संसाधनों की भी कमी है। साथ में ऐसे दुर्गम एरिया में अंधश्रद्धा को भी ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि वहां तक ठीक तरह से एजुकेशन भी नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वहां के लोग किसी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर से ज्यादा झाड़ फूंक पर विश्वास करते हैं। तो अब ऐसे एरिया में एक डॉक्टर कैसे जाता है और वहां के हालातों को देखने के बाद कैसे उनकी मदद करता है, वो ही इस मूवी में आपको देखने को मिलने वाला है। मूवी के हिंदी ट्रेलर की सबसे खास बात यह है कि संकेत मात्रे की आवाज इस मूवी के हिंदी ट्रेलर में आप लोगों को सुनने को मिली है। एंड आई एम डैम श्योर कि ओडिया इंडस्ट्रीज को हिंदी बेल्ट में और भी ज्यादा सक्सेसफुल इस फिल्म की स्टोरी तो बनाएगी ही, साथ में एक बहुत बड़ा हाथ संकेत की आवाज का भी होगा। दोस्तों, यह मूवी बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा मूवी होने वाली है और बेस्ड होगी रियल लाइफ डॉक्टर पर, जहां ओडिशा गवर्नमेंट ने 2015 में ट्राइबल एरिया में मलेरिया को खत्म करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी दमन नाम से, और वहां उन डॉक्टरों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो ही इस मूवी के जरिए हमें दिखाया जाएगा। दोस्तों, मूवी का बजट ओवरऑल 1 करोड़ रुपए महज बताया जा रहा है, लेकिन अपने कंटेंट के दम पर क्षेत्रीय भाषा में इस मूवी ने 10 से 12 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑलरेडी कर लिया है। एंड नो डाउट अब ये मूवी हिंदी में भी रिलीज की जाएगी और 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी पार कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2022 क्षेत्रीय फिल्मों का वर्ष रहा है, कार्तिकेय 2, रॉकेटरी, द कश्मीर फाइल्स और कांतारा जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। अब इसकी हिंदी रिलीज पर देखना होगा कि यह कांतारा जैसी बड़ी मूवी से आगे निकल पाएगी या नहीं। दोस्तों, आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए मूवी और ट्रेलर रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, सबक खैर।